जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। अच्छा जी, तो मज़दा जो कि हम उस पर काम शुरू कर रहे हैं, और मैंने पहले भी एक वीडियो में मैंने काफ़ी इस पर वीडियोस बनाई थी, लेकिन वर्कशॉप की वजह से मैं और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से मैं इसको टाइम नहीं दे सका। तो अभी सोचा है कि इसको निकालते हैं और इस पर काम शुरू करते हैं। प्लस मेरे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फॉर सेल भी होते हैं, और अभी तक तो जितने जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे VXR के, मेहरान के, तो वो तो सेल हो चुके हैं। इस वक्त हमारे पास अल्टो VXR का कोई फॉर सेल प्रोजेक्ट नहीं है, या मेहरान का, मज़दा का। काफ़ी सारे मुझे भाई कॉल करके पूछ रहे हैं कि यार आपके पास कोई प्रोजेक्ट है सेल का, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। मज़दा जो है 74 मॉडल की, ये फॉर सेल है, ठीक है। इसमें 5K का इंजन लगा हुआ है, बड़ा पावरफुल और मैकेनिकली गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और इसको मैं जिस तरह से बनाना चाह रहा था, 2-डोर है ये, ओरिजिनल 2-डोर है, ठीक है। और ऐसी गाड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं, बिल्कुल रस्टेड नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी कंडीशन वाइज, बॉडी वाइज। बस इसमें हमने मॉडिफिकेशंस करनी है आप कह लें तो, क्योंकि बाद अवत हमें इस तरह के पुराने फ्रेम मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। पुराने पुराने फ्रेम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रस्टेड होते हैं, फिर उनको बनाना पड़ता है। इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं होगा, ये बॉडी वाइज बड़ी अच्छी है। हमें इसमें सिर्फ ये है कि मॉडिफिकेशंस करनी है, रिम टायर्स हो गए, इंजन जो है अगर आप यही रखना चाहते हैं, ये रेयर व्हील है, रेयर व्हील ड्राइव है, अगर आप यही रखना चाहते हैं ये बेहतरीन इंजन है, कंडीशन वाइज 4-5 साल कहीं नहीं जाता, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें LED जो लाइट्स होती हैं, इसी तरह टेल लाइट्स में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, कस्टम टेल लाइट्स बन सकती हैं। इसके अलावा बॉडी में जो है ना एक्सटेंशंस जो हैं वो हो सकती हैं, हम इसमें किट्स लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये फॉर सेल है, आप में से कोई भी भाई जो इंटरेस्टेड हों ये गाड़ी परचेज करने में, तो वो मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आकर गाड़ी देख सकते हैं और इसको बुक कर सकते हैं। फिर ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से मुझे चीज़ें बता दें कि यार ये चीज़ें हमने करवानी है गाड़ी पर, पेंट सारा कुछ होगा, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे लिख कर दे सकते हैं, जैसे एज यूजुअल हम करते हैं, जो हमारी वर्किंग है, वे ऑफ वर्किंग है, तो उसी तरह ही। तो ये है कि इसमें मैंने जो चीज़ें सोची हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये था कि मैंने इसका ब्राउन इंटीरियर जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये तो ब्राउन इंटीरियर में मैंने इसको कंप्लीट सोचा हुआ था कि इसको अंदर से हम पूरी पोशिंग इसकी, विद डैशबोर्ड और सारा कुछ, इसको हम ब्राउन इंटीरियर में सेट करेंगे। प्लस बाहर से जो पेंट कलर है ये बहुत अच्छा है, अंदर से गाड़ी टोटली अपने कलर में है और रस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, साफ़ सुथरी गाड़ी है, ठीक है। तो पेंट इसी क्वालिटी, ये वो है मेटालिक कलर है, क्रिस्टल कलर है, तो इसी का यही कलर सेम, इसको हम बहुत बेहतरीन सा कलर देंगे। और दूसरा ये है कि इसके अलावा एक्सटेंशंस जो हैं, फेंडर एक्सटेंशंस हो गई, बॉडी किट्स हो गई, फ्रंट लिप हो गई, बैक जो डकटेल है, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो सकती हैं। तो आप में से जो भाई भी ये ख़रीदना चाहते हैं, वो उनको मैं कंप्लीट पैकेज में गाड़ी दे दूंगा। ये सियालकोट नंबर है और जिनसे मैंने गाड़ी परचेज़ की थी उनके नाम पर है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, टोकन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। तो उसकी हमारी तरफ से गारंटी होगी डॉक्यूमेंटेशंस की। बाकी है कि जो भी आपने गाड़ी में करवाना है वो सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक कंप्लीट एक प्राइस टैग में मैं बता दूंगा कि यार इस प्राइस में आपको गाड़ी में मिल जाएगी, प्लस सारी की सारी मॉडिफिकेशंस जो आप चाहते हैं। आप में से बहुत सारे भाई होंगे जो कि रेयर व्हील ड्राइव जो गाड़ी होती है वो उसके शौकीन होंगे, तो ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको चल के गाड़ी भी दिखाता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ साथ साथ आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो ये गाड़ी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, और इस वक्त आप देख रहे होंगे इसको हमने ईंटों पे खड़ा करके रखा हुआ है, और उसकी वजह ये थी कि इसमें हमने कुछ छोटी मोटी वेल्डिंग थी अंदर वो करनी है, ये देख रहे होंगे आप, हल्की बुल्की हैं जो कि करने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा बॉडी की कंडीशन बहुत अच्छी है, मैं आपको इसका इंजन भी दिखाता हूँ, इंटीरियर दिखाता हूँ, देन इसका जो ट्रंक है वो दिखाता हूँ, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, और सीटिंग किस तरीके से करनी है बड़ी प्यारी। इसमें ये 2-डोर जिस आपको मैंने बताया,
अच्छा जी, अगर इंटीरियर की बात करते हैं हम, तो इसमें पावर विंडोज, साइड मिरर जो है वो पावर हैं, ठीक है, और पावर स्टीयरिंग, ये तीनों चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। अब करना ये है कि इसका जो इंटीरियर है वो सेट करना है। एसी इसमें इंस्टॉल्ड है, गैस शेस डालनी है तो वो वर्किंग में आ जाएगा। सीटें आप देख रहे होंगे, बड़ी प्यारी सीटें, और बस इसकी पोशिंग सारी चीज़ें दोबारा करनी है। पैनल शैनल जितने भी हैं सारे इसमें, LCD भी लगी हुई है, MP3 वगैरह भी लगा हुआ है, सारा कुछ इसमें। चार पीछे बूफर स्पीकर्स हैं वो लगे हुए हैं। सो पीछे सीटिंग की भी अरेंजमेंट है, ये आगे हो जाती है, ये इसकी जेन्युइन सीट्स हैं। देन इसमें डीप डिश स्टीयरिंग इंस्टॉल्ड होगा, वो लगेगा, अभी फ़िलहाल लगाया नहीं है क्योंकि गाड़ी फ़िलहाल वो एंड में इंशाल्लाह उसको लगाना है, ठीक है। अब आपको मैं इसका दिखाता हूँ ट्रंक, इंजन वे आपको इंजन वे दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जी इसका है इंजन बे, और ये इस तरह कुछ खुलता है, ठीक है। और इसमें जो इंजन इंस्टॉल्ड है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। प्लस इसकी आप बॉडी की कंडीशन देखें, माशाल्लाह से बहुत साफ, बहुत अच्छी, अंदर से अभी भी अपने ही कलर में है, ठीक है। और ये इसका इंजन बे काफ़ी गंदा है इस वक्त, ये वॉश होगा तो सारा वो हो जाएगा, एयर इनटेक वगैरह ये सारी चीज़ें, ये एक दफ़ा वॉश होगा तो ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। इंजन इसका बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत बेहतर कंडीशन में, ठीक है, और काफ़ी साफ है। पीछे से अगर हम बात करते हैं, पीछे से भी इसमें HKS का एग्जॉस्ट मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी, जो कि अच्छी डिसेंट साउंड के साथ है, ठीक है। प्लस ये जो पैनल है, ये हमने कंप्लीट इसका करेंगे मैट ब्लैक कलर में, बीच वाला। इन लाइटों को थोड़ा कुछ कस्टम मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और ये चीज़ें हो सकती हैं इसमें। इधर डकटेल साइड जो एक्सटेंशन हैं फेंडर की नीचे, ठीक है, ये सारा होगा। फ्रंट पे लिप हो गई इसकी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप जैसे आप डिमांड करेंगे वैसे ही हम आपको चीज़ बना के दे देंगे। तो जी, इस वक्त जो गाड़ी की कंडीशन है वो ये है, आपके सामने है, ठीक है। सियालकोट का नंबर है, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की हमारी तरफ से आपको जो है गारंटी है, ठीक है। तो सारी, और अब यह है कि आप में से जो भाई भी जो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो हमसे रابطہ कर सकते हैं, और ये गाड़ी हम उनको फिर प्रोवाइड कर सकते हैं विद कंप्लीट पैकेज, मॉडिफिकेशन, सारी चीज़ें। इसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा और भी अगर आप में के माइंड में कोई चीज़ जो आप करना चाहते हैं तो वो फिर आप हमसे शेयर करें, पैकेज में शामिल करें, हम आपको कंप्लीट पैकेज में एक चीज़ बना के दे देंगे। और ये बहुत रेयर है, टू डोर है, मज़दा वैसे ही काफ़ी रेयर है। सस्पेंशन इसकी फर्स्ट क्लास है, इंजन बेहतरीन है, आप आके चलाएं इसको, ड्राइव करें, आपको मज़ा ना आया तो फिर बताइएगा। तो ये सारी सिचुएशन है, ठीक है। तो जी, ये सारी सिचुएशन है मज़दा की। अब आप में से जो भाई वो परचेज करना चाहते हैं तो वो मुझसे रابطہ कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कॉल करके मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं इस पर। और बाकी ये है कि हम उनको पूरा प्रोजेक्ट बना के दे देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।